बात रांची की। 10 जून को रांची में हुई हिंसा के बाद प्रशासन मुस्तैद है, अभी वहां हालात काबू में है, लिहाजा इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, इंटरनेट सेवाएं रांची में बंद कर दी गई थी लेकिन अब वहां पर बताया जा रहा है कि हालात अब काबू में आ चुके हैं, इसके बाद इंटरनेट सेवा वहां पर बहाल हो गई है। रांची में इंटरनेट सेवा बहाल, धारा 144 अभी भी जारी है। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी की जांच भी जारी है। और आज सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रांची की सुबह किस तरह से वहां पर नजर आ रही थी, शांति बहाली नजर आई, हालांकि 144 धारा 144 अभी भी जारी है। 7 दिन के भीतर कमेटी को जांच रिपोर्ट सौंपनी है। लागू कर दी गई है, इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमा होना वर्जित रहेगा। एक प्रदर्शन जिसने रांची को हिंसा की आग में झोंक दिया, सड़कों पर पत्थर बरसे, आगजनी हुई, लाठी चार्ज हुआ। अब कोशिश है हालातों को सामान्य करने की। रांची में जिंदगी फिर से ट्रैक पर लाने की, शहर में धारा 144 लागू है। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी आप लोग अपने अपने घर जाएं। पूरे मेन रोड और उसके दोनों ओर लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों से ना निकले। इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमा होना वर्जित रहेगा। पूरा शहर छावनी में तब्दील हो चुका है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। शुक्रवार को रांची में नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में जुलूस निकाला गया था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि भीड़ इतनी उग्र हो जाएगी। पुलिस के साथ झड़प के बाद तो हालात बेकाबू हो गए, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया, धक्का मुक्की हुई, लेकिन प्रदर्शनकारियों की तरफ से हो रही पत्थरबाजी से मुकाबला मुश्किल था। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं पुलिस कर्मियों के अलावा अधिकारियों को भी चोटें आई। एसएसपी रांची हमारे साथ है और कल ये भी इंजर्ड हुए थे, हाथ में इनके चोट लगा है, सर पे चोट लगा है। जो कुछ भी हुआ ये अनुसंधान का विषय है, बट कुछ हमारे पास इनपुट पहले से ही थे और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने मुकम्मल तैयारी की थी। तो जो अधिकारियों का जो एक ऑब्जेक्टिव था, जो विभत्स परिस्थिति होने के चांसेस थे, वो पुलिस के अलर्टनेस और जो हमारा डिप्लॉयमेंट था उसके बचा लिया गया। पुलिस की सख्ती के बावजूद रात को प्राचीन सूर्य मंदिर को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। रात करीब 12 बजे पेट्रोल पंप से मंदिर पर हमला किया गया, जिसके बाद मंदिर में रह रहे परिवारों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने के बाद उपद्रवी वहां से भाग गए। इसमें पेट्रोल भर के फेंका जाता है, अगर ये प्रेशर के साथ जब कहीं लगेगा तो ये ब्लास्ट करता है। और यहाँ पे देखिए आग के छींटे आपको दिख रहे हैं। इसी तरह से 4 पेट्रोल बम जो है यहाँ पे मारे गए हैं। यहाँ देखिए ये ऊपर जो है आपको पूरा पार्ट जो है ब्लैक दिख रहा होगा। बहुत जोर से आवाज हुआ तो बहन पर देख रहे हैं पूरा आग लहर रहा है। पूरा आग लगा हुआ था। और कितना बार आवाज किया, नाम बताइए जी। 2 बार किया। 2 बार अनीता मिश्रा जी 2 बार आवाज किया। 4 बम फेंके गए। 4 बम फेंके गए, एक छत के ऊपर। छत मतलब इस पूरे